डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण शब्दावली प्रत्यायन की चर्चा करेंगे कि प्रत्यायन किसे कहते हैं। बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली है ये, तो आप थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करेंगे। किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आपसे ये प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। तो मैंने देखा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को ये भी नहीं मालूम होता है कि भाई प्रत्यायन किसे कहते हैं। तो बेटा, आप समझते जाएंगे, प्रत्यायन क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रत्यायन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई राज्य दूसरे राज्य के पास अपना राजनयिक, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है, ठीक है, और भेजने वाला राज्य उसे अपने पद का प्रमाण पत्र देता है जिसे प्रत्यय पत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत भेजने वाला राज्य क्या, भेजने वाला राज्य अपने प्रतिनिधि की निष्ठा और बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास प्रकट करता है और उसे संबोधित राज्य के साथ वार्ता चलाने का अधिकार देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिएगा भारत और अमेरिका, इन दो राष्ट्र राज्यों की बात हम कर रहे हैं, तो प्रत्यायन किसे कहेंगे, मैं फिर से दोहरा हूँ, प्रत्यायन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई राज्य जैसे भारत दूसरे राज्य के पास, अमेरिका के पास, भारत अमेरिका के पास मतलब कोई राज्य दूसरे राज्य के पास अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है, अर्थात भारत अमेरिका के पास अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेज रहा है, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजदूत भेज रहा है, ऐसे बोल देंगे आप, ठीक है, भेजता है। तो भेजने वाला राज्य, जैसे भारत को भेजने वाला राज्य बना रही है उन्हें, तो भेजने वाला राज्य उसे अपने पद का प्रमाण पत्र देता है जिसे कि क्या कहा जाता है, प्रत्यय पत्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत भेजने वाला राज्य मतलब भारत भेजने वाला है अमेरिका के पास, तो भेजने वाला राज्य अपने प्रतिनिधि की निष्ठा और बुद्धिमत्ता और पूरा विश्वास प्रकट करता है और उसे संबोधित राज्य के साथ वार्ता चलाने का अधिकार देता है, इसे ही प्रत्यायन की संज्ञा दी जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः दोहरा हूँ, प्रत्यायन किसे कहते हैं बेटा, प्रत्यायन एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई राज्य, कोई भी राज्य मतलब दो राज्यों की चर्चा करेंगे, जैसे भारत अमेरिका के ले लें, भारत और चीन के ले लें, भारत रूस के ले लेते हैं, तो कोई राज्य दूसरे राज्य के पास, जैसे भारत अमेरिका के पास, भारत रूस के पास या भारत चीन के पास, कोई राज्य दूसरे राज्य के पास अपना राजनयिक प्रतिनिधि भेजता है, तो इसे ही जो है क्या कहते हैं, अपन प्रत्यायन कहते हैं। और भेजने वाला राज्य उसे अपने पद का प्रमाण पत्र देता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय पत्र कहा जाता है। तो प्रत्यायन और प्रत्यय पत्र, इन दोनों में डिफरेंस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई प्रत्यायन या प्रत्यय पत्र किसे कहा जाता है। धन्यवाद।